हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभी शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज देश में टूलकिट की बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब कफन पर भी राजनीति शुरू हो गई है। तो क्या सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कोई टूलकिट बना रही हैं? क्योंकि इस वक्त सारी पार्टियां एक दूसरे पर यही इल्जाम लगाती हैं। हमारे देश के सारे बड़े नेताओं की सोशल मीडिया वाली टाइमलाइन हमने खंगाली, सबकी प्रोफाइल पर टूलकिट वाला कोई ना कोई मैसेज जरूर था। सवाल यह है कि टूलकिट वाली असली पॉलिटिक्स के पीछे का सच क्या है? टूलकिट का वायरल सच इस रिपोर्ट में। कोरोना पर राजनीति हुई, वैक्सीन पर राजनीति हुई, लाशों पर राजनीति हुई और अब कफन पर पॉलिटिक्स हो रही है। खबर छप चुकी है, हेडलाइन बन चुकी है, झारखंड के सीएम का ऑडियो वीडियो वायरल हो चुका है। एक बार सुनिए, ना समझ में आए तो दो बार सुनिए। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है, बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है, बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। मोदी विरोध के चक्कर में देश को बदनाम करने वाला टूलकिट तो पहले ही सोशल मीडिया पर फैला दिया गया, मगर अब मोदी विरोधी भारत को बदनाम करने के लिए फ्री कफन वाली योजना लेकर आए हैं। कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, अब ये कफन वाली टूलकिट न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक सबकी हेडलाइन बनेगी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिस तरह का व्यवहार कोरोना काल में कर रहे हैं, कभी भी देश उनको क्षमा करने वाला नहीं है। ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, जहां दवाई, वैक्सीन, लोगों के लिए हॉस्पिटल का इंतजाम, इसमें पूरी सरकारें लगी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस के इशारे पर जिस तरह झारखंड सरकार ने कफन योजना शुरू की, वो लोगों के बीच में एक दहशत फैलाने के लिए, डर फैलाने के लिए जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये कांग्रेस का ही तो टूलकिट है। कांग्रेस इस तरह का व्यवहार करके पूरे देश में और दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करना चाहती है। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड सरकार कांग्रेस के इशारों पर ऐसी बातें फैला रही है और सोशल मीडिया पर बाकायदा इसे डिफेंड करने में बिजी है। इस वक्त देश में ऐसा लग रहा है मानो सबने अपना अपना टूलकिट बना लिया है। इसमें अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री की भी टूलकिट कंट्रोवर्सी में एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी टूलकिट के बहाने कांग्रेस आलाकमान पर हमलावर हो गए हैं। ट्विटर ने पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया और अब रमन सिंह के ट्वीट पर भी इसी मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा दिया गया है। टूलकिट मामले की जांच के बीच दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है, वो भी तब जब टूलकिट के भीतर लिखे एक एक सच की तलाश जारी है। सोचिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम देर रात ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंचती है, नोटिस देती है और अगले ही दिन सुबह सुबह राहुल गांधी अपनी टाइमलाइन पर हैशटैग टूलकिट के साथ सत्य डरता नहीं वाला मैसेज शेयर कर देते हैं। राहुल की देखा देखी कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता भी एक्टिव हो जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला पहले सेम टूलकिट वाले हैशटैग के साथ ट्विटर को चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी के भीतर बीजेपी के 11 नेताओं के नाम लिखकर उनके ट्वीट चिपकाते हैं, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कराते हैं और बाद में कैमरे पर आकर मैनिपुलेटेड मीडिया वाला एक और नया हैशटैग घुमाते हैं, वीडियो संदेश फैलाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो सबने सुना है, परंतु मोदी सरकार ने ये कर दिखाया है। दोषी कौन है टूलकिट मामले में? फर्जीवाड़ा किसने किया टूलकिट मामले में? फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर देश को बहकाने और भ्रमित करने का षड्यंत्र किसने किया टूलकिट मामले में? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने
परंतु पूछताछ किससे हो रही है? ट्विटर से। रेड होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, इंक्वायरी होनी चाहिए जेपी नड्डा जी से और उनके प्रवक्ताओं से, पूछताछ होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रियों से, स्मृति ईरानी जी हो या रविशंकर प्रसाद जी या उनके दूसरे मित्रगण, परंतु पूछताछ हो रही है ट्विटर से। नोटिस दिया जा रहा है ट्विटर और कांग्रेस पार्टी को। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मंगलवार को पूरे लाल लश्कर के साथ सुनियोजित तरीके से हैशटैग ट्विटर रेड का एजेंडा चलाया गया, जबरदस्त माहौल बनाया गया। ट्विटर टूलकिट और कांग्रेस की पॉलिटिकल टाइमलाइन चेक करने पर हमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट दिखा, हैशटैग ट्विटर इंडिया रेड वाले स्क्रिप्ट क्या इसी टाइमलाइन से फैली और क्या इस हैशटैग को प्रमोट करने के लिए ऑर्डर भी कांग्रेस ने दिया? ये एक फैक्ट है कि ट्विटर पर फेक न्यूज तेज रफ्तार से फैलती है और हाल फिलहाल में कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई सारे ऐसे ट्वीट्स किए गए जिसका मकसद मोदी का विरोध करना और अपना पॉलिटिकल हित साधना था। ये MSP नहीं मिल रहा है, कोविड का नाम मोविड है, ये झूठ है या नहीं है ये आप पूछिए जरा इनसे। ये राहुल गांधी के ट्वीट को फ्लैग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो मोविड लिखा गया है ये तो टूलकिट के अनुसार ही लिखा गया है, हमने तो एक्सप्लेन शुरू से ही किया है कि जो जो टूलकिट में है वही वही हुआ है। आप बताइए मोविड जो है ये मैनिपुलेटेड मीडिया है या नहीं है? चलिए हमारे को तो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग मिला, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हम उस पर पूछ भी रहे हैं सोशल मीडिया से कि आखिर क्यों ये टैग दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोविड, क्या कोविड का नाम मोविड है, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग होना चाहिए या नहीं? दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के ऑफिस पर नोटिस चिपकाया, मगर कांग्रेस के नेताओं ने पहले हैशटैग ट्विटर रेड वाला मैसेज फैलाया, फिर इंडियन यूथ कांग्रेस ने यह कहकर माहौल बनाया कि सरकार ट्विटर से डर गई। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की असली खींच की वजह यह है कि मोदी सरकार सोशल मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री के खिलाफ कदम उठा रही है? क्या राहुल को तकलीफ इस बात की है कि सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा ना हो? इस पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई थी जिस पर अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्लियर जवाब नहीं दिया है। भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ इंडियन यूजर्स हैं, ट्विटर पर 1.75 करोड़ यूजर्स के अकाउंट हैं, इंडिया में 41 करोड़ फेसबुक सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़ भारतीय यूजर्स हैं, 44.80 करोड़ इंडियन यूट्यूब यूजर हैं। टूल किट पर हो रही सियासत के बीच इंडिया में हलचल काफी तेज है, पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। सिचुएशन काफी टेंस्ड है, हर जगह यही खबर ट्रेंड कर रही है, कोई भी अखबार उठा लीजिए, किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए, हर जगह हेडलाइन सेम टू सेम है। पहले फैक्ट्स के साथ समझिए कि इस वक्त ट्विटर से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की दुनिया में इतना सन्नाटा क्यों पसरा है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइंस जारी की थी, इन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने 3 अधिकारियों चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रेवांस अफसर नियुक्त करने थे, शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था के बारे में बताना था, ऑटोमेटेड टूल्स और तकनीक के जरिए गलत कंटेंट की पहचान करके उसे हटाने को कहा गया था, हर प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करनी थी, शिकायतों और एक्शन की डिटेल देनी थी, कौन सा लिंक और कंटेंट हटाया उसके बारे में बताना था। मगर इस वक्त सोशल मीडिया पर तलवार इसलिए लटकी हुई है क्योंकि नई गाइडलाइंस लागू करने की डेडलाइन 25 मई यानी मंगलवार को खत्म हो रही है और 26 मई से नई गाइडलाइंस लागू हो रही हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अब तक नहीं बताया है कि गाइडलाइंस को लागू किया गया या नहीं। हाँ, इन गाइडलाइंस से बचने के लिए हर प्लेटफॉर्म ने पैतरे खूब अपनाए। कुछ प्लेटफॉर्म्स ने गाइडलाइन लागू करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा तो कुछ ने कोरोना का हवाला देते हुए 1 साल की टाइमलाइन मांगी। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड जवाब दिया कि वो अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। सोचिए, ये सारे प्लेटफॉर्म भारत में काम करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं, मगर गाइडलाइन पर ये अमेरिका से ऑर्डर का बहाना बनाते हैं। ठीक इसी तरह ट्विटर जैसे कुछ प्लेटफॉर्म अपने खुद के फैक्ट चेक रखते हैं लेकिन उनका नाम कभी नहीं बताते और न इस बात में क्लैरिटी होती है कि ट्विटर किस आधार पर कंटेंट हटाता है या फिर किसी के ट्वीट पर बिना आधार के मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगाता है। हम कुछ विदेशी एग्जांपल के साथ इसका भी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, पहले कुछ फ्रेश डेवलपमेंट देख लीजिए।
अभी तक इस मामले पर सिर्फ फेसबुक का जवाब आया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो आईटी नियमों का पालन करेगी, साथ ही कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेगी। फेसबुक ने यह भी कहा कि आईटी के नियमों के मुताबिक ऑपरेशनल प्रोसेस लागू करने और एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम जारी है और कंपनी इस बात का ध्यान रखेगी कि लोग आजादी और सुरक्षित तरीके से अपनी बात फेसबुक के जरिए कह सकें। मगर क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी भी सवालों के घेरे में है। मोदी सरकार ने व्हाट्सएप की पॉलिसी के खिलाफ कड़ा रोक अख्तियार कर लिया है और ध्यान रहे, व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी कोई और नहीं, फेसबुक ही है। क्या अमेरिका की वैक्सीन भारत आ रही है? देश में फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन कब तक अवेलेबल होंगी? आज लोग इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। कोविड महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, मगर बहुत से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीके उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद देश को कोरोना का चौथा टीका कब मिलेगा। हमारी फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज कर चुके हैं, हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइजर है और भी बहुत सारी हैं, तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। कोरोना की सेकेंड वेव से जूझते राज्यों के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। विदेशी दवा कंपनियों ने राज्यों को सीधे सीधे वैक्सीन बेचने से इनकार कर दिया है। वो इस मामले में सेंटर से ही डील करना चाहते हैं। इस वायरस को हराने का इकलौता ताकतवर हथियार कोरोना के टीके ही हैं और देश भर में कई राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं, टीके लगवाने आए लोगों को लौटाया जा रहा है। कोरोना के टीकों की किल्लत के बीच देश में यही सवाल उठ रहे हैं कि सबको वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगी, ये वैक्सीन किस कंपनी की होगी। अब तक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दोनों की कुल मिलाकर 13 करोड़ डोज जून में और 17 करोड़ डोज जुलाई में उपलब्ध हो जाएंगी। यहां एक बात आपको समझने की है, कंपनी की फैक्ट्री में वैक्सीन का प्रोडक्शन होने से आप तक टीका पहुंचने के बीच वैक्सीन की हर डोज एक लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके जून में 13 करोड़ और जुलाई में 17 करोड़ उपलब्ध होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन जून के पहले महीने से ही अवेलेबल हो जाएगी। ये जून के दूसरे या तीसरे आखिरी हफ्ते तक संभव हो सकेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैक्सीन एक लंबी प्रक्रिया से गुजर कर आप तक पहुंचती है। इस दौरान इसकी क्वालिटी से लेकर सेफ्टी तक सब कुछ चेक किया जाता है। जरूरी है कि हम फोकस ये करें कि हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत सुदृढ़ हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब हम फ्री वैक्सीनेशन स्टेट को प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्री डोजेज जो प्रोवाइड कराते हैं जो 50%, हमने स्टेट्स को बताया है कि हम डे ऑन डे बेसिस पर किस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सप्लाई देंगे, ताकि उसके बेसिस पर स्टेट लेवल पर, फील्ड लेवल पर वैक्सीनेशन साइट्स कौन कौन सी चलेंगी, कितनी चलेंगी, कितनी अवेलेबिलिटी होगी, वह माइक्रो प्लानिंग स्टेट लेवल पर की जा सके। इसी के साथ ही इसमें लिंक्ड इश्यू होता है कि जैसे बहुत सारी वैक्सीनेशन साइट्स हैं, बहुत सारे कोल्ड चेन पॉइंट हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं, तो इस पूरे लॉजिस्टिक्स में हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ वैक्सीन अवेलेबल रहती हैं, विच विल बिकम अवेलेबल इन वीक्स टू कम। बट वॉट इज वेरी क्रिटिकल इज कि जो हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हम इसको स्टेट लेवल पर और सुदृढ़ करते जाएं, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हम जस्ट इन टाइम अप्रोच पे ले जा सकें। Hi, I'm Surbhi Sharma. खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।